यहाँ पे ये पापा से बात कर रहे हैं, मतलब ससुर जी से बात कर रहे हैं, वो दर्शन करके आए हैं तो ये बात कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया है, बाबू मेरा नहा धो लिया है और आज ये आप लोगों से बात करेगा। आज बाबू हमारा आप लोगों से बात करेगा। हाँ हाँ, आज बाबू मेरा क्या पहना है ये देख लो, ये देख लो, और दिखा दो बाबू, और दिखा दो। तो गाइस, मैंने बाबू का यहाँ से मैंने ब्लॉग शूट किया था, पर पता नहीं क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे आवाज़ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे ओवरवाइज करना पड़ रहा है। यहाँ पे बाबू को मैं दिखा रही थी कि बाबू को मैंने हाथ में का और गले का पहनाया है, तो जितने जो जो बाबू को लॉकेट मिला था और हाथ का मिला था, तो उसमें से एक मेरी जो जेठानी जी दी थी, तो मैंने जेठानी जी वाला पहना रखा है, और जो वंदना जी, मनीषा, वंदना दी ने जो भी दिया था, तो उसमें उस धागे वगैरह नहीं लगे थे, तो बस खाली दो में लगे, तीन में लगे थे। मैंने दोनों लोग का ट्राई करके पहनाया तो नहीं आया, बस जेठानी जी का लॉकेट थोड़ा सा और उसका धागा जो था मोती वाला वो बड़ा था, तो मैंने पहना दिया था। और बाबू मेरा आज रेडी हो गया है, आप लोगों से बात करना सीख गया। मैं इस टाइम पता नहीं क्या बोली थी कि मुझे कुछ नहीं याद है, तो मुझे ओवरवाइज करना पड़ रहा है। यहाँ पे मम्मी नहीं है और मम्मी उधर बैठी हुई है, तो मैं सोची कि चलो बाबू को तैयार कर दिए हैं, जब बाबू को तैयार करते हैं तो उसका वीडियो ज़रूर बनाते हैं। और ये ऐसे उछड़ते कूदने लगे हैं जैसे लग रहा है ये उठ जाएंगे। तो मेरे बाबू का भी चैनल है सनाफ अमित एंड किट्टो जायसवाल, ये वाला वीडियो मैं उस पर डालने वाली थी, पर मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आज आप लोगों को अपने बेटे का जो भी मैं मतलब कैप्चर की हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये एक एक नया रोज़ कपड़ा पहनते हैं और इनको सब बहुत प्यार करते हैं। इनकी मासी लोग और बुआ तो इतना फ़ोन कर करके, इतना फ़ोन दिन भर, बस बाबू को दिखा दो। और आप लोग भी बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हो मेरे बाबू के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरे बाबू के लिए। क्या जिसके भी बच्चे हों, सबके बच्चे अपने लिए बहुत ही प्यारे होते हैं, और बच्चे तो इतने प्यारे होते हैं कि उसको देख कर ही मन पिघल जाता है। मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत खिलाती भी हूँ। और यहाँ पे बाबू देखो आ, 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 अगर ये ना वॉइस होता है उसका खुद का ना, तो आप लोग को ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया कि वॉइस ही बंद हो गया, तो इसलिए मुझे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है। आज ये बहुत बातें कर रहा था, मैंने एक रील्स भी डाल रखा है, तो आप लोग जा कर के देखिएगा। तो मैं सोची क्यों ना आज इसकी बातें को हम एक कैप्चर के रूप में वीडियो बनाते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, खूब देखिए इन्जॉय कर रहा है। फिर जैसे जैसे वीडियो शूट कर रहे थे ना, वैसे वैसे देखता भी है कैमरे के अंदर। और ये ना जानते हैं गाइस, ये पैर जैसे कि हाथ ऐसे पीछे करके ये ना ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, कोई विश्वास ही नहीं करता। मैं बोली हाँ सच में ये ऐसा ही करते हैं आजकल के बच्चे, कुछ भी हो तो यहाँ आराम मिल रहा है, गोद में आराम मिल रहा है, धूमावती माता है, मेरा काम हो गया, पार्वती तुम थोड़ी देर घर सही कर देते हैं, इसलिए बेटा तक के प्रवेश नहीं करती। वहाँ लिखा हुआ है, आप लोग कभी दतिया गए हो दर्शन करने के लिए, झांसी के पास कभी दतिया जाएंगे तो लिखा हुआ है धूमावती का दरबार है यहाँ पर, सौभाग्यवती नारी अंदर नहीं आ सकती, माँ पर्दा डला रहता है, गेट बंद रहता है, माँ केवल पुरुष ही दर्शन मातंग बने तो पार्वती मातंगी बनी और भगवान शंकर कम बने। आराम मिल रहा है क्या आपको बेटू? आ चले सिला दे आप, खाली हो गए आगे जो भगवान, आ चला देते सिला देते बेटू को। का टाइम हो गया था, मैंने दिया भी जला लिया और जो कपड़े सारे सुबह धुले थे उसको मैंने उतार लिया है, और कपड़े उधर जाने उतर धसला, इधर बाबू मेरा सो के उठ गया है, दो बार सुसु कर दिया तो मैंने लंगोटी पहना दिया, देखिए खेल रहा है। ए, ए, ए बाबू, ए बाबू, ए बाबू। तो हम कैमरा टाइम लैप्स लगा देते हैं, आप लोग देखिए इंजॉय करिए ब्लॉग को। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बाबू को लेटा दिया है और ये शाम का टाइम हो गया था, मैं दिया जला के आ गई थी मंदिर से, क्योंकि शाम के टाइम हम लोग डेली दिया जलाते हैं, आप सबको तो पता ही होगा। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े इकट्ठा कर ली हूँ जो मैंने सुबह धुला था, तो सारे सूख गए थे, तो मैं यहाँ ला करके मम्मी का अलग, अपना अलग, बाबू का अलग, और अब
इनका अलग, सब अकेले मतलब एक एक करके सबका तय लगा लेती हूँ। और इसके बाद मैं जाती हूँ सबके अपने अपने अलमारी में रखने के लिए। यहाँ पे बाबू का है तो बाबू का रखती हूँ, फिर वहाँ से फिर उठाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी इनके इनका अलमारी में रखूँगी, फिर मैं अपना रखूँगी। और बाबू यहाँ पे खेलता रहता है, कूदता रहता है, और ये इसको लगता है ना कि यहाँ पे कोई नहीं है तो बहुत ज़्यादा रोने लगा था। तो मैं बाबू से बात भी करती थी कि बाबू मैं हूँ बेटा, बाबू बेटा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे पैर उछल उछल के कूद कूद के खूब गा रहा था, नाच भी रहा था, मतलब अपने स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ, शाम का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे अचानक से बहुत तेज चिल्लाया तो मैं बोली बेटा मैं आ रही हूँ, तो देखिए मैं उसके पास जाऊँगी, फिर उसको खूब सारा प्यार करूँगी। तो गाइस मैं आ गई थी इस रूम में नेल कटर लेने के लिए। बाबू का नेल आज बुधवार है तो मैं सोची क्यों ना काट दूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा है तो मिल गया इनका इयर रिंग। ये इयर रिंग्स पहनते हैं, उसको मैं बंद कर देती हूँ। और ये हमारा देखो फोटो, अप्रैल का महीना आ गया है, तो आज 4 अप्रैल नहीं है, अच्छा 4th महीना अप्रैल का है। तो यहाँ पे ये कितना प्यारा सा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं ना। हाँ गाइस, तो मैं यहाँ पे इनके सहारे कपड़े ठंडी वाले रखे गए हैं। इस रूम को भी बहुत ज़्यादा सही से रखना पड़ेगा। देखो ये खिसक गए, हाँ इसलिए गुस्सा आता है। ये देखो इधर का हो गया और साइड ये मैं उतारते हैं। इसमें बोले थे ना ये स्लाइड करने वाला कभी मत बनवाइएगा, ऐसे वाला बनवाइएगा, ये वाला जैसे ऐसे खोलो और ऐसे पकड़ने वाला, जो ऐसे हैंडल पकड़ करके। ये तो बहुत यार, ये हमारा बेड है जो कि हम बहुत ज़्यादा इस बेड को मिस करते हैं। ये हमारा लाइफ का पहला बेड था जो कि हमारा ये दिल्ली वाले घर में था। तो गाइस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ब्लॉग को खूब सारा एंजॉय करिए आप लोग देख करके, और खूब प्यार दीजिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैंने कोई सा ड्रेस पहन कर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं ड्रेस पहनकर वीडियो बना लूँ, और वैसे भी ये ऑफिस चले गए थे इसलिए नहीं बनाया। और ब्लाउज दिए हैं टेलर को सिलने के लिए, जैसे ही टेलर भैया मुझे ब्लाउज देते हैं फिर मैं अपने फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। बहुत सारे सूट वगैरह भी हैं तो उसको भी पहनकर बनाना है, लेकिन रोज़ रोज़ मेकअप करो, रोज़ रोज़ तैयार होना, ये चेहरे भी ख़राब हो जाते हैं। ये चीज़ मैं सही बोल रही हूँ, कमेंट करके बताना सही बोल रही या गलत बोल रही हूँ, ज़्यादा कुछ बोल दिए होंगे। अगर आप लोग को मेरी बात कोई बुरी लगी होगी तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय बिट्टू। ए दीदी का कॉल भी आ रहा है। गाइस अभी इसके पहले मैंने जो ब्लॉग डाला था उसमें मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई थी जिससे मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, इसलिए मुझे ये दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, सच में मतलब कि इतने ज़्यादा दिमाग में टेंशन रहता है, इतनी ज़्यादा बातें रहती हैं और इतने ज़्यादा प्रेशर हर चीज़ का रहता है ना, तो थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा कभी कभी इंसान ना ध्यान नहीं दे पाता है। तो अगर आप लोग अपनी फैमिली समझ के मुझे वो चीज़ बताते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं उस गलती को मानती हूँ कि हाँ यार मेरे से गलती हुआ है, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं ये चीज़ मेरे से गलती हुआ, तो मैंने उस वीडियो को तुरंत डिलीट किया, मैंने ध्यान नहीं दिया था कसम से। एक तो बाबू है ना, बाबू के चक्कर में इतना ज़्यादा मतलब उसमें बिजी रहते हैं ना, तो टाइम का पता नहीं चलता। और ब्लॉग डालना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ये मेरा एक डेली का एक जैसे होता है ना काम, वो भी एक काम ही है, तो करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो चलिए आप लोग मुझे बताएं, मैं तो ध्यान भी नहीं दी थी, मुझे सच में बिल्कुल ध्यान नहीं था, बस ऐसे ही ऐड करके मैंने डाल दिया था और पता ही नहीं चला कि क्या सूट हुआ है क्या नहीं सूट हुआ है। तो उसमें क्या था कि बाबू को ना क्या बोलते हैं, बिना कपड़े के नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये गैर कानूनी है यूट्यूब पर, तो इसीलिए ये तुरंत वीडियो देखें और आप लोग भी मतलब कमेंट करके बताने लगे, तो तुरंत मैंने इसको वीडियो डिलीट किया, इसमें मेरी गलती थी। इसलिए अगर आप लोग भी अगर ब्लॉग बनाते होंगे तो आप लोग भी बच्चों को या फिर खुद भी अगर कोई बनियान पहन नहीं भी पहना होगा ना, उसके लिए भी कॉपीराइट मतलब कि ये सब क्लेम है, तो ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और ब्लॉग को खूब एंजॉय करिएगा, कुछ भी मिस्टेक होगा तो मुझे क्षमा करिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।